आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा देने के मुद्दे पर आज टीडीपी और वाईएसआर कांग्रेस मोदी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश करेगी। इसके पहले शुक्रवार को ये दोनों पार्टियां अविश्वास प्रस्ताव लाना चाहती थी, लेकिन ये पेश नहीं हो सका था। सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए विपक्ष को जरूरी 54 सांसदों का समर्थन मिल गया है। सरकार से अलग हुई टीडीपी के पास 16 सांसद हैं, जबकि अविश्वास प्रस्ताव लाने वाली एक और पार्टी वाईएसआर के पास 9 सांसद, 34 सांसदों वाली टीएमसी ने भी इस प्रस्ताव का समर्थन किया है। आंध्र को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग पर मोदी सरकार के खिलाफ पहले अविश्वास प्रस्ताव में लेफ्ट और कांग्रेस ने भी समर्थन का ऐलान कर दिया है। कांग्रेस के साथ आने से मोदी सरकार के खिलाफ इस प्रस्ताव को और बल मिलेगा। शिवसेना ने भी अविश्वास प्रस्ताव पर अडिग रहने का ऐलान कर दिया है। कांग्रेस के 84वें अधिवेशन के समापन भाषण में पार्टी अध्यक्ष राहुल गांधी का पीएम मोदी और अमित शाह पर हमला, कहा मोदी भ्रष्टाचार के पर्याय बने, 2019 में नहीं जीतने देंगे। कांग्रेस महाधिवेशन के आखिरी दिन राहुल गांधी एक अलग ही तेवर में दिखे। राहुल ने कहा कि 2019 की लड़ाई कांग्रेस ही जीतेगी। उन्होंने आरएसएस पर भी बड़े आक्रामक होकर हमला किया। राहुल ने कहा कि कांग्रेस ही देश को जोड़ सकती है। रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण का राहुल गांधी पर पलटवार, बोली ये एक हारे हुए व्यक्ति की आवाज है। निर्मला सीतारमण ने यह भी कहा कि कांग्रेस पार्टी अपने आप को पांडवों से जोड़ना चाहती है। ये वही पार्टी है जिसने भगवान राम के बुनियादी वजूद पर भी सवाल खड़े कर दिए थे। राहुल गांधी ने बीजेपी को महाभारत का कौरव और कांग्रेस को पांडव बताया। राहुल ने कहा कि वो 15 साल पहले राजनीति में आए थे, उनसे कई गलतियां हुई और गलतियों से उन्होंने सीखा। एबीपी न्यूज के शिखर सम्मेलन में समाजवादी पार्टी के नेता राम गोविंद चौधरी का बड़ा बयान, कहा मायावती पीएम और अखिलेश होंगे यूपी के सीएम उम्मीदवार। राम गोविंद के इस बयान को एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पूरी तरह खारिज नहीं किया। 14 मार्च को जब एसपी ने बीएसपी की मदद से उपचुनाव में गोरखपुर और फूलपुर लोकसभा सीट जीती थी, उसके बाद समाजवादी पार्टी के नेता राम गोविंद झुककर मायावती को धन्यवाद करते दिखे थे। योगी सरकार के आज एक साल पूरे हो रहे हैं। यूपी सरकार ने नारा दिया है एक साल नई मिसाल। एबीपी न्यूज के शिखर सम्मेलन में कल सीएम योगी आदित्यनाथ ने एसपी और बीएसपी पर हमला करते हुए पूछा कि अपने गठबंधन का नेता तो बताए एसपी और बीएसपी। क्रिकेटर शमी और उनकी पत्नी के बीच हुए विवाद में पहली बार पाकिस्तान की रहने वाली अलिशबा सामने आई है। शमी की पत्नी हसीन जहां ने अलिशबा के साथ शमी के रिश्ते होने और शमी को पैसे देने का आरोप लगाया था। शमी की पत्नी हसी जहां के आरोपों पर अलिशबा ने पहली बार चुप्पी तोड़ते हुए कहा कि हसी जहां के आरोप गलत हैं। अलिशबा ने यह भी कहा कि शमी से शारजाह में मुलाकात जरूर हुई, लेकिन एक फैन की तरह, और शमी को पैसे देने के आरोप बेबुनियाद हैं। रविवार को कोलकाता पुलिस यूपी के अमरोहा में क्रिकेटर शमी के घर पहुंची। पुलिस ने शमी के घर वालों से करीब एक घंटे पूछताछ की। शमी की पत्नी हसी जहां आज अलीपुर कोर्ट में धारा 164 के तहत बयान दर्ज कराएंगी। अदालत में बयान दर्ज होने के बाद शमी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। मोहम्मद शमी और हसी जहां की शादी का सर्टिफिकेट सामने आया है। इस सर्टिफिकेट के मुताबिक हसी जहां ने शमी से शादी करने के समय खुद को कुंवारा बताया था। शमी ने कुछ दिन पहले ही दावा किया था कि शादी के वक्त हसी जहां ने पहली शादी और 2 बच्चियां होने की बात छिपाई थी, जबकि हसी जहां का कहना है कि शमी को पहले से पता था कि वो तलाकशुदा है। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।